भारतीय टीम ने विराट कोहली की कप्तानी में साल 2020 की दमदार शुरुआत की है। भारत ने पहले तीन मैचों की T20 सीरीज में श्रीलंका को 2-0 से हराया, जबकि इतने ही मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मात दी। लेकिन अब भारतीय टीम को इस दशक और साल का पहला विदेशी दौरा न्यूजीलैंड का करना है, जहां टीम को T20, वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप 2020 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड का दौरा भारतीय टीम के लिए अहम है, क्योंकि यहां मेजबान कीवी टीम और भारत के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है, जबकि इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज और आखिर में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी। भारत का ये न्यूजीलैंड दौरा काफी लंबा चलने वाला है। भारत के लिए न्यूजीलैंड का सामना करना इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी टीम ने भारत को वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज 10 दिन में खत्म हो जाएगी। सीरीज का पहला T20 मैच 24 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। इसी मैदान पर दूसरा T20 मैच भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को खेला जाएगा, वहीं तीसरा T20 मैच 29 जनवरी को हैमिल्टन में खेला जाएगा, जबकि चौथा मैच 31 जनवरी को वेलिंगटन में खेला जाना है। सीरीज का आखिरी मैच 2 फरवरी को मोंगनुई में होगा।